हेलो आर हरिओम सर, वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम बहुत बेसिकली पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की रूट है। और फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर क्लास 9M क्लास 9 के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत डीप में इसे पढ़ें और हम इस चैनल पर कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कम समय में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक इसकी डीप से डीप नॉलेज पहुँचाने का प्रयास करें। तो आज स्टार्ट करते हैं मूल कंसेप्ट। सबसे पहले मोल होता क्या है आप जानेंगे कि मोल है क्या। मोल वास्तव में क्या है, एक यूनिट है। ध्यान रखिए, मोल क्या है वास्तव में एक यूनिट है, रियल में एक यूनिट है मोल। हम कह सकते हैं टू मेजर द क्वांटिटी By any substances in chemistry। ध्यान रखिए, वास्तव में मोल है क्या, व्हाट इज द मोल। हम कह सकते हैं मोल एक यूनिट है और ये क्या होता है, टू मेजर द क्वांटिटी बाई ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री। ये तो एक रटने वाली डेफिनेशन है, हमें वास्तव में इसके विषय में सोचना है और इस मोल कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। तो हम एग्जाम्पलों के थ्रू इस कंसेप्ट को बताना चाहेंगे। जैसे कुछ अपने यूनिट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लेंथ सुना होगा, लेंथ को हम क्या है मीटर में मेजर करते हैं। जैसे सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को हमने मोल में मेजर किया है, यानी सब्सटेंसेस का जो यूनिट है वो मोल है। इसी प्रकार लेंथ का यूनिट मोल है। आपने देखा होगा एरिया जो होता है, एरिया का हम मीटर स्क्वायर के नाम से इसको मेजर करते हैं, मीटर के स्क्वायर से करते हैं। इसी प्रकार जो वेट होता है, वेट को आपने सुना होगा किलोग्राम से हम मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये यूनिट है सभी। हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ न कुछ यूनिट बनती है, वही चीज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम जो इसमें समझने का प्रयास करेंगे वो होता है अपने किलोग्राम और फिर होता है वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम जो है ये चीज काफी समझने की है। कई इसमें यूनिट आते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर क्यू से भी करते हैं, वॉल्यूम को हम ML से भी करते हैं, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यू से भी करते हैं, वॉल्यूम को हम डेसीमीटर क्यू से भी करते हैं। बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम के कई यूनिट बन जाते हैं। और इसमें लीटर में भी से हम बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि वॉल्यूम के इतने सारे यूनिट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन होगा। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि हम किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हम मोस्टली इन चीजों को जानते हैं। लेकिन बात ये करते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, आपस में मीटर, ml, सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यू, लीटर का कोई हो सकता है क्या। तो ये चीज हमारी समझ में आना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें क्लियर करा देता हूँ जिससे समझने में बड़ी आसानी हो। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर, आप जानते हैं सेंटीमीटर सेंटी ये होता है 10 की पावर -2। ध्यान रखिए, इसकी कुछ यूनिट है, हम कह सकते हैं इकाई है, यूनिट है। ऐसे ही हम डेसी सेंटीमीटर को सीसी से सोल्व करते हैं सेंटी, और इसी प्रकार जो है हम डेसीमीटर को स्मॉल डी से करते हैं और डेसी स्मॉल डी से, और ये होता है 10 की पावर -1। बात समझ में आ गई। और ml जो होता है आपका
एसी जो है एमएल जो होता है स्मॉल एम से करते हैं एमएल, ये होता है 10^3। यहां पर ये चीज हमारी चलन बात है, माइनस। तो ये चीज ये यूनिट है जो बड़े काम के आएंगे आपके। और ये जो नीचे हमें सिस्टम दे रखे हैं या सीसी सेंटी, आप ये लगा देंगे, देसी ये लगा देंगे आप, और एम एल वर्ड आ जाए तो 10^-3। और के जी आ जाए 1 kg, 1 kg आ जाता है तो आप इसकी जगह 10^-3 लगा सकते। ये चीज समझ में आया। तो ये यूनिट है जिनसे जिनकी हेल्प से हम इनके मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, या आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। यानी हम ये भी चीज कह सकते हैं 1000 ml जो होता है वो 1000 cm क्यूबिक होता है। समझ में आया, ये देख लीजिए 1000 ml सेंटीमीटर क्यूब, इसको होता है सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि 1 ml, 1 small ml is equal to 1 cm³। ये यहाँ से एक रिलेशन निकल आता है ml और सेंटीमीटर क्यूब में। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं आगे, हम आगे इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या ये सेंटीमीटर क्यूब, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू, ये 1000 है ये आपका, इनटू सेंटीमीटर की वैल्यू आप रख दीजिए, सेंटीमीटर की वैल्यू 10^-2 हो जाती है, और इसकी पावर सेंटीमीटर क्यूब आता है, और ये आपका मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर सीसी है, ये इतनी वैल्यू है इसकी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1000 × ये पावर, आप फुल पावर है तो आपको पता ही 6 हो जाएगा, इनटू मीटर क्यूब। तो ये सॉल्व करेंगे इसे तो 10^-3 मीटर क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं 1000 m³। और यहाँ से 1 m³ जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1000 L। लेकिन एक रिलेशन लीटर में और मीटर क्यूब में यहाँ से निकल के आ गया। बात समझ में आ गई होगी, आगे यूनिट को हम समझ सकते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से, आज आपको इंटर कन्वर्जन, यानी हमने वॉल्यूम के, ध्यान रखना ये जो मीटर क्यूब है और लीटर, इसमें हमने रिलेशन बता दिया। देख लीजिए इनमें दोनों में रिलेशन निकल के आ गया यहाँ पर। अब क्या है, इधर ml का हमने सेंटीमीटर क्यूब से रिलेशन बता दिया, ये ml का सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हमने आपको बता दी। इसके बाद अभी डेसीमीटर क्यूब रह रहा है, ये भी हम यहाँ क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए बस इस यूनिट को, छोटी सी चीज को समझना है और बड़ा आसान हो जाता है। देखिए अब हमें डेसीमीटर क्यूब समझना है। देखिए यहाँ जो है डेसीमीटर क्यूब में वही आ जाता है 1 L = 1000 × डेसी, डेसी की जगह 10^-1 होल क्यूब एंड मीटर क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1000 × 10^-3 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 1 dm डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर। ये आपका यहाँ पर रिलेशन निकला है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब में भी क्या रिलेशन निकल गया। तो ये इंटर कन्वर्जन है, ये जब न्यूमेरिकल हम निकालेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 11th क्लास वाले, हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, समझना 1000 ml जो है 1000 cm³ जो होता है। अब क्योंकि 1000 और ये 1000, यानी कि इसका रिलेशन इससे निकाला और इनका आपस में रजिस्ट्रेशन
सेंटीमीटर क्यों निकाला, सी की जगह पर आपका टैंकी पावर मान लेते हैं वैल्यू करते हुए रह जाएगा मीटर क्यों। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर क्यों लीटर में रेशियो निकल आएगा। फिर रहेगा डीसी मीटर, हम जानते हैं 1 लीटर = 1000 ml होता है, ml सेंटीमीटर के इक्वल होता है और सेंटीमीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर की वैल्यू रखते हुए मीटर हो जाएगा 1000 × डेसीमीटर की वैल्यू मीटर, तो यानी 1 लीटर = 1 डेसीमीटर आपका आ जाएगा। उसको हम चेंज कर लेंगे टेन की पावर की आपस में चेंज, तो 1 डेसीमीटर। इस तरह से इंटर कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिए इंटर कन्वर्जन बहुत ही आवश्यक है और सबसे अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसी में आगे हम चलते हैं। आपने प्रेशर सुना होगा, ये बहुत स्मॉल यूनिट के बारे में हमने बात की थी, वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम को हम लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यू में, मीटर क्यू में, डेसीमीटर क्यू में, तो ये कई रिलेशन होते हैं जिन्हें आपस में रिलेट करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। देखिए आपने सुना होगा प्रेशर, अभी हमने इसकी शुरुआत नहीं की है, कुछ ऐसे यूनिट का इंटरचेंज कर रहे हैं जो आगे न्यूमेरिकलों में खत्म करेगा, ये बहुत आता है प्रेशर, ध्यान रखिए प्रेशर इसको समझना, इसके यूनिट होते हैं। प्रेशर को आपने देखा होगा, प्रेशर का जो यूनिट होता है मोस्टली एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री में, एटमॉस्फेयर एक यूनिट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एक यूनिट बार होता है, एक टोन होता है, एक पास्कल होता है, गैस में पास्कल, ये यूनिट आपने सुने होंगे पास्कल, एक मिलीमीटर और एच जी होता है, सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, ये यूनिट भी आपके निकल के आते होंगे। तो ये जितने भी यूनिट आप देख रहे हैं वो सभी क्या है, प्रेशर के हैं, लेकिन इनमें आपस में रिलेशन इंटरचेंज हमें आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पर डिपेंड है, ध्यान रखिए ये इंटरचेंज आना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कैसे इसका इंटरचेंज करते हैं। तो ये प्रेशर आपको यहाँ पर दे रहा है और मैं इंटरचेंज बताता हूँ, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 1.013, ध्यान रखिए 1.013 × 10^5, 10^5 पास्कल होता है, ये रिलेशन पास्कल और एटमॉस्फेयर यानी कि इनमें हमने निकाल दिया, देख लीजिए ये आपका निकल आया। अब एक चीज और समझिए आप, 1 bar = 10^5 pascal होता है, 1 bar इसका मतलब 1 atmosphere = 1.013 bar, आपकी समझ में आ गया होगा ये चीज, भाई 10^5 bar होता है, पास्कल होता है, तो इसका जो रिलेशन एटमोस्फियर में बार में निकल के आएगा ये निकल के आ जाए क्योंकि पास्कल में लगता है, जबकि 1 bar में जितने पास्कल होता है वैल्यू क्या रह जाती है, ये रह जाती है, तो ये भी बार इक्वल हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए, 1 atmosphere = 760 mm होता है, इसके अलावा भी 1 atm = 76 cm of Hg होता है, ये भी एक रिलेशन यहां निकल के आ गया। मेरी बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हम इनके इंटरचेंज हमारी समझ में आना चाहिए, इंटरचेंज यदि आ गया हमें पता होना चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो पास्कल बार
और जो आपका MMO है जी, CMO है जी, बहुत जगह पर आते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी सी डिस्कस जो करूंगा आपका यहाँ पर टेम्परेचर, आपने रिलेशन सुना होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने देखा होगा टेम्परेचर के लिए, सॉरी टेम्परेचर में आपने देखा होगा टी निकालते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हम टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी इनवर्ट क्या हो जाएगा 27 प्लस 200 डिग्री, ऐसे करके टी डिग्री केल्विन निकल आएगा। ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, ये क्या है, ये आपका डिग्री केल्विन है, इसका रिलेशन इसमें निकल आता है, यानी 273 ऐड कर देते हैं। इसके अलावा डिग्री फारेनहाइट जो होता है, मैं आगे लिखता हूं, देखिए डिग्री फारेनहाइट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 30। इस रिलेशन से डिग्री फारेनहाइट का यूनिट आपका निकल आता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हम आपको यहाँ बताएंगे, जो 11th क्लास में आपको पढ़ना है मोल के विषय में, वो समझ लीजिए मोल जो आगे हमें पढ़ना है, तो मोल इन टर्म, मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड इज मोल इन टर्म ऑफ वेट, और आगे जो हमें पढ़ना है मोल इन टर्म ऑफ वेट के अलावा आता है आपका वॉल्यूम। तो इन पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इंटरचेंज बताए थे, लेकिन अब जो मेन डिस्कस करेंगे इस पर करेंगे, तो अब नेक्स्ट यूनिट पे इस पर डिस्कस कर, सॉरी लेक्चर पर हम बताएंगे कि क्या इसमें रिलेशन निकल के आता है 11th क्लास का। थैंक यू, नमस्कार।